महिला की शव शनाख्ति के 48 घंटे के भीतर ही पुलिस ने अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर दिया। ये हत्या महिला के प्रेमी ने ही की थी। जानकारी के अनुसार मृतिका लक्ष्मी तोमर बदरवास की निवासी थी, जो पाकिजा मॉल में काम करती थी, जहां उसकी दोस्ती संजय कोरी पुत्र केशव कोरी उम्र 29 वर्ष निवासी कोलुपुरा गुना से हो गई थी और इसके बाद इनका मिलना जुलना बना रहता था। पुलिस ने साक्ष के आधार पर संजय कोरी को गिरफ्तार कर कड़ी पूछताछ की तो पहले उसने गुमराह किया, लेकिन बाद में उसने हत्या करना स्वीकार कर लिया। आरोपी ने बताया कि 8 मई को उसकी शादी अन्य दूसरी लड़की से हो रही थी। इसी बात को लेकर 30 अप्रैल को मृतिका लक्ष्मी तोमर और उसके मध्य विवाद हुआ था। विवाद ज्यादा बढ़ जाने के बाद वह मृतिका लक्ष्मी तोमर को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर गुना से बदरवास छोड़ने के बहाने ले गया और 30 अप्रैल को ही रात्रि करीब 10:30 बजे बुलोनिया के पास हाईवे पर लक्ष्मी तोमर की उसी के दुपट्टे से मुंह दबाकर हत्या कर दी थी। और घटना को अंजाम देने के बाद मृतिका लक्ष्मी तोमर का मोबाइल अपने साथ ले आया जिसे उसने कोलुपुरा में नाले में फेंक दिया था। इस घटना पर थाना कैंट में आरोपी संजय कोरी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 490/21 धारा 302(201) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और पुलिस द्वारा आरोपी संजय कोरी के बताए अनुसार मृतिका लक्ष्मी तोमर के नाले में फेंका गया मोबाइल भी तत्काल बरामद कर लिया। साथ ही घटना में प्रयुक्त डिस्कवर गाड़ी को भी जब्त कर ली गई। पुलिस द्वारा आरोपी संजय कोरी को न्यायालय में के समक्ष पेश किया गया। आपको बता दें कि 1 मई 2021 को कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलोनिया ग्राम के नजदीक हाईवे किनारे एक अज्ञात महिला का शव पड़ा मिला था। पुलिस द्वारा सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से मृतिका की पहचान करने के भरसक प्रयास भी किए गए और दिनांक 5 मई को अज्ञात महिला की शव की पहचान लक्ष्मी तोमर उम्र 40 वर्ष हाल निवासी बदरवास के रूप में की गई। मृतिका बदरवास में रहकर ब्यूटी पार्लर का संचालन का काम करती थी। अज्ञात शव की शनाख्ति होते ही गुना पुलिस अधीक्षक द्वारा कैंट थाना प्रभारी निरीक्षक एवं साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक को मामले का तत्काल पटाक्षेप कर आरोपी गिरफ्तारी करने के आवश्यक निर्देश दिए गए थे। गुना पुलिस द्वारा बहुत अच्छे स्तर पर कार्य आज किया गया है। एक महिला का शव जो कि 1 मई को मिला था, उसको 5 तारीख को उसकी शिनाख्त हो गई थी। उसकी बदलाने के प्रयास किए गए थे कि वो कौन है। 5 तारीख को उसकी शिनाख्त हो गई थी और शिनाख्तगी के 48 घंटे के अंदर चूंकि वो संदिग्ध डेड बॉडी थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये हत्या का मामला है। शिनाख्तगी के 48 घंटे के अंदर इस मर्डर को गुना पुलिस की टीम ने विशेष प्रयासों से ट्रेस कर लिया है। कोरोना काल में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए उसके साथ लगन और मेहनत से कार्य गुना पुलिस द्वारा किया गया। वाक्य इस प्रकार है कि लक्ष्मी तोमर नाम की महिला थी, जिसका शव 1 तारीख को पड़ा हुआ मिला था, हाईवे पर किनारे पर पड़ा हुआ मिला था। ऐसा प्रतीत उसी समय हुआ था कि यह हत्या का मामला है। उसका शिनाख्त 5 को हो पाई थी। उसके बाद में हमारी पूरी टीम इसके इन्वेस्टिगेशन में लगी, जिसमें कि साइबर के अमित अग्रवाल, कुलदीप, उसके अलावा कैंट के टीआई अमीन, वहाँ के एसआई रेणु रावत, सब इंस्पेक्टर रेणु रावत और अन्य टीम इसमें लगे। उन्होंने इसकी काफ़ी गहराई से जांच पड़ताल की, तकनीकी दृष्टि से भी इसको देखा। काफ़ी एनालिसिस करने के बाद यह ज्ञात हुआ कि संतोष यह सब संजय कोरी नाम का एक व्यक्ति है, जो कि कोलुपुरा का निवासी है। इस व्यक्ति के साथ इसके काफी ज्यादा गहरे संबंध होने की बात सामने आई विभिन्न तकनीकी माध्यमों से और अन्य साक्ष्यों के आधार पर। उस आधार पर संजय कोरी को उठाया गया, उससे पूछताछ की गई। संजय कोरी पहले तो काफी अपने इस घटना के बारे में उसने नहीं बताया, परंतु कुछ जब उसको प्रमाणित साक्ष्य उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया। इन दोनों के अवैध संबंध थे और ये इसके चूंकि इसका महिला का अपने पति से तलाक हो चुका था, तो पाकिजा शोरूम पर यह इसके संपर्क में आई थी, वहां से इनके कुछ संबंधों का सिलसिला चलता रहा है। अभी संजय कोरी इसको भी धोखा देकर, लक्ष्मी तोमर को भी धोखा देकर एक नई शादी कर रहा था, जो कि 8 तारीख को शादी होने वाली थी। अभी इसको जब पिकअप किया है तो ये शादी की प्रक्रिया के दौर से ही गुजर रहा था, उसी दौरान इसको लाया गया है पूछताछ की। इसने महिला ने चूंकि इसको पता चल गया था अचानक तोमर को कि ये शादी कर रहा है,
तो इसने आके वहां व्यवधान उत्पन्न किया, इसको मना किया कि आप ये शादी नहीं करेंगे। इस बात पर से इनका विवाद हुआ, घर पर भी विवाद हुआ, घर के अलावा फिर ये इसको बदरवास के, चूंकि ये निवासी थी वहां, ब्यूटी पार्लर चलाती थी, तो बदरवास छोड़ने के बहाने अपने साथ लेके निकला और 30 तारीख को रात को 10:30 बजे के करीब इसने हाईवे के किनारे इसकी हत्या करके, इसको गला दबा के हत्या करके उसको वही हाईवे के पास फेंक दिया। अज्ञात शव के रूप में ये प्राप्त हुआ था, जिसको कि काफी गहराई के साथ जब विवेचना की गई तो सारी चीजें सामने आई। महिला का मोबाइल भी इसने तोड़ के फेंक दिया था, जो कि महिला का मोबाइल जिस जगह उसने फेंकना बताया वहां से उसके कुछ अवशेष प्राप्त हो गए हैं और बाकी भी अभी इसमें विवेचना जारी है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिसमें कि स्पष्ट रूप से हत्या कर देने के संकेत और उल्लिखित है। इस प्रकार ये एक महत्वपूर्ण सफलता गुना पुलिस की टीम ने प्राप्त की है। इसमें जो भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने मेहनत लगन से कार्य किया है, मैं उनको 10,000 रुपये का पुरस्कार घोषित करता हूँ। अभी विवेचना में और भी आगे जो साक्ष्य आएंगे उस आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार ब्यूटी पार्लर संचालिका के अंधे कत्ल का शीघ्र पर्दाफाश करने पर कैंट थाना प्रभारी निरीक्षक अमनी शर्मा, साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक अमित अग्रवाल, उप निरीक्षक हरिओम रघुवंशी, उप निरीक्षक रेणु रावत, सहायक उप निरीक्षक राकेश सिवहरे, आरक्षक मकान चौधरी एवं आरक्षक कुलदीप भदौरिया की अत्यंत सराहनीय भूमिका रही। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा द्वारा उक्त टीम को 10,000 रुपये के इनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई।